हाँ, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया है। इसका निराकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब भी बीपी के मरीज हैं वो बीपी की दवा पर हैं। तो अगर बीपी की दवाई में एक दवाई जो बड़ा अहम दवाई है, डायुरेटिक कहते हैं, तो डायुरेटिक या तो क्लोरथाइजाइड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरथाइजाइड इसको कहते हैं, या क्लोरथैलिडोन हो, दोनों डायुरेटिक है, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग देते हैं। तो डायुरेटिक का मतलब होता है जो शरीर से सोडियम को बाहर निकाले। तो आप सोडियम से बाहर निकालने वाली दवाई दे रही हैं बीपी घटने के लिए, और यहाँ खुद ब खुद सोडियम बाहर जा रहा है पसीने के रूप में। तो हो सकता है कि बीपी आपका अचानक इतना फॉल कर जाए और उसकी वजह से सोडियम लॉस भी हो जाए। सोडियम लॉस में अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 65 के हैं, 70 के हैं, 75 के हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से आपको चक्कर खा के गिर भी सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया एक एक अपने आप में एक अहम मुद्दा है, कि जो ओल्ड एज में कभी आपने देखा होगा कि 75 साल, 80 साल, 85 साल में लोग अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और कोई कारण नहीं निकला, सिर्फ सोडियम की कमी रही। तो ब्लड प्रेशर की दवाई अगर चल रही है उसमें डायुरेटिक तो जरूर रहेगा, तो उसमें ही ध्यान दीजिए कि अगर गर्मी पीक पे है तो उसमें हो सकता है थोड़ा बदलाव करना पड़े, डायुरेटिक को हटाना पड़ सकता है या उसका डोज कम करना पड़ सकता है। बीपी जनरली थोड़ा कम हो जाता है गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में बीपी बढ़ जाता है। तो उस तरह से अपना टेलर कर लीजिए, उसी तरह से दवाई को ऊपर नीचे करना पड़ता है, नहीं तो परेशानी आपके साथ हो सकती है। तीन झंझटों से निजात पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने चिकित्सक जो जिनसे बीपी की दवाई चल रही है उनसे बराबर बीपी की जांच करवाते रहें और उसके आधार पर दवाइयों का परिमाण ऊपर नीचे करते रहें। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि दवाई के डोज जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई और चीज़ें हैं जो गर्मी के दिनों में ट्रिगर फैक्टर बन सकती है? गर्मी के दिनों में जैसे मैंने कहा कि अगर खान पान में आपने सोडियम ज़्यादा लिया, तो सोडियम ज़्यादा लिया तो होता क्या है कि जब आप गर्मी के दिनों में कहीं पार्टी में चले गए, अधिकतर शादियां होती हैं गर्मियों में, अभी तो शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो रात में आप गए तो कभी चौमिन भी ले रहे हैं और छोला भी ले रहे हैं, चाट ले रहे हैं, पकौड़ा ले रहे हैं, हाई सोडियम कंटेंट वाली सारी चीज़ें आप ले रहे हैं। तो सोडियम और बीपी से बहुत गहरा रिश्ता है। ज़्यादा सोडियम आप लेंगे बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए खान पान में जहाँ वो जहाँ चाइनीज़ डिश, जहाँ ये सब जो डिश है आपने लिया, और अधिकतर शादियों में देखें कि इन स्टॉल पर ज़्यादा भीड़ होती है बनिस्पत ट्रेडिशनल फूड के स्टॉल पे, तो इसमें लेने के बाद आपके अगर बीपी के मरीज हैं तो आपको सूट कर सकता है। तो इसलिए बीपी घट भी सकता है गर्मियों के दिनों में, अगर आपने खान पान में परहेज नहीं रखा तो बीपी आपका ऊपर चढ़ भी सकता है। तो घटने और चढ़ने की प्रक्रिया जो है गर्मियों में चलती रहेगी, आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, ताकि ब्लड प्रेशर के कहर से आप अपने आप को मुक्ति दिला सकें।